तो ये गाइस अभी जो ना प्रोराइडर 1000 के एक्सीडेंट को लेकर के उनकी फैमिली का पूरे क्लियर तरीके से कहना है कि प्रोराइडर का एक्सीडेंट नहीं हुआ है, उसकी जो ना हत्या की गई है। जैसे कि आप देख सकते हो इस अखबार में बिल्कुल क्लियर छपा है कि मृतक के परिवार ने लगाए संगीन आरोप, यूट्यूबर के बेटे की हत्या की गई है, सड़क हादसा नहीं है। और दोस्तों इसको पक्का प्रूफ करने के लिए कि हकीकत में हत्या की गई है, अगस्त चौहान के पापा जी जितेंद्र चौहान ने जो ना चार बड़ी बातें बताई है जिसमें कि आपको प्रूफ हो जाएगी कि हकीकत में एक्सीडेंट नहीं है, कि एक हत्या की गई है। इसमें उन्होंने बताया कि अगर मेरे बेटे की 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बाइक चल रही थी जब उनका एक्सीडेंट हुआ था, तो फिर उसके सिर पर जो ना थोड़ी सी ही चोट क्यों आई है, उसकी बाइक पूरी तरीके से टूटी क्यों नहीं है। इतने बड़े एक्सीडेंट में तो उसके अंग पंग टूट जाने चाहिए थे और बाइक के पर छक्के उड़ जाने चाहिए थे। इसके बाद उन्होंने एक और बताया कि अगर ये एक्सीडेंट है तो फिर हेलमेट के कैमरे कहां गए, बेटे के हेलमेट में 360 डिग्री शूट करने वाला कैमरे लगे हुए थे वो फिर कहां चले गए, और जहां पर ये दुर्घटना हुई है वहां पर कार के टायरों के घिसते हुए निशान कहां से आए। इसके बाद उन्होंने एक और बताया कि चारों बाइकर अभी तक सामने क्यों नहीं आए, क्योंकि जब प्रो राइडर का एक्सीडेंट हुआ था तो उनके साथ में चार बाइकर और थे जो कि उनके साथ में राइड कर रहे थे, उन्हीं के साथ में उनका एक्सीडेंट हुआ था, तो फिर वो चारों राइडर अभी तक अगस्त चौहान की फैमिली के सामने क्यों नहीं आए हैं। इसके बाद उन्होंने ये बताया कि बेटे का एक्सीडेंट होने के 3 घंटे बाद ही फैमिली से क्यों बताया गया, उससे पहले क्यों नहीं बताया गया। और दोस्तों यही सेम क्वेश्चन उनकी फैमिली जो ने एक वीडियोज में भी बता रहे थे, सो आप देखिए उनकी वीडियोज को वो छोटा सा क्लिप। मेरे को पता चला और जो अपडेट मिला है पुलिस का और आमिर का, दोनों का कहना है कि एक्सीडेंट सुबह के 10 बजे हुआ था। तो यार अगर एक्सीडेंट सुबह के 10 बजे हुआ था तो फैमिली को 1 बजे क्यों, 1 बजे क्यों कॉल करके क्यों बताया गया? उसके बीच का जो टाइम था उसके बीच आप क्या कर रहे थे, स्टोरी क्रिएट कर रहे थे कि हाँ ये बोलेंगे अगर हमसे ये हो गया है, और आप लोग स्टोरी क्रिएट कर रहे थे कि। और दूसरा, जो गाड़ी में 2 कैमरे थे, Insta360 और GoPro 11, ठीक है दोनों ही कैमरे गायब है, बिल्कुल झूठ है। आप अपने भाई को सपोर्ट करो और उसे जस्टिस दिलाने के लिए हम लोग यहाँ पर हैं।